हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्वांटम केमिस्ट्री। आप लोग जानते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है नेट जेआरएफ के लिए, बीएससी के लिए भी, एमएससी के लिए भी, और केमिकल इंजीनियरिंग में भी ये 6 चैप्टर में क्वांटम केमिस्ट्री इंक्लूडेड है। क्वांटम केमिस्ट्री है क्या चीज, ये पहले हम लोग को समझना है। वैसे तो आज मैं क्वांटम केमिस्ट्री के साथ साथ ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर्स इनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री क्या चीज। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर के दो फॉर्म होते हैं, ड्यूअल नेचर होता है, इसके बारे में डी ब्रोगली ने भी बता चुका है हमको। तो डी ब्रोगली के अनुसार अगर हम बात करें मैटर के दो फॉर्म है, पार्टिकल और वेव। तो अगर पार्टिकल फॉर्म है तो वो पार्टिकल कब है, जब वो हैवी होगा, उसका पार्टिकल नेचर का हम स्टडी कर सकते हैं। तो वो कौन से लेवल पे होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। और जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है उनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेव नेचर। अगर मैटर का वेव नेचर है तो वेव फॉर्म में कब रहेगा, जब वो बहुत लाइट होगा या बहुत माइक्रो पार्टिकल के फॉर्म में होगा। तो जब वो माइक्रो पार्टिकल के फॉर्म में होगा, लाइटर होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो वेव फॉर्म में है। मतलब उसकी स्टडी हमको कैसी करनी पड़ेगी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। और इन दोनों केसेस में सिनारियो बिल्कुल अलग होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के केस में। किसी जैसे हम बात करते हैं प्लेटिनम की, प्लेटिनम का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करेंगे तो वो इनर्ट एलिमेंट कहलाता है, इनर्ट मेटल है वो। बट हम देखते हैं उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जब बहुत छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, तो प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। मतलब वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और रिएक्शंस कराना आपको फास्ट भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्कोप क्लासिकल अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी अलग प्रॉपर्टी दिख रही है, वहीं पे हम क्वांटम पे उसकी स्टडी कर रहे हैं तो अलग प्रॉपर्टी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम किसी भी ऐसे एलिमेंट्स की जिनकी हम अब तक मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाकर स्टडी कर सकते हैं। अगर हम बात करें जब मैटर वेव फॉर्म में है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लाइटर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं, तो उसका एक क्या होगा, वेव फंक्शन होगा, यस। तो अगर क्वांटम की बात करें तो वेव फंक्शन की बात तो होनी है, और वेव फंक्शन क्या होता है, साइन। इसको हम डिनोट करते हैं इससे, जैसे साई बोलते हैं ना, साई हमारे भगवान है, सबका मालिक एक, वैसे ये साई क्या है, पूरे क्वांटम का एकमात्र भगवान यही है साई। साई से स्टार्ट होता है क्वांटम। तो ये क्या है, वेव फंक्शन, इसी की पूरी स्टडी है। तो फंक्शंस क्या है, ऑपरेटर क्या है, हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे। तो आपको क्लियर हो ही क्या होगा कि क्वांटम क्या चीज है, ओके। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रूल। कैसा रूल, फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें कि कोई दो या तीन या चार ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो इन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करने वाला, कोरिलेट करने वाले जो रूल है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है, इट इज अ रूल विच कोरिलेट्स और रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स। अंडरस्टैंड, ओके। तो ऑपरेटर क्या चीज है, ऑब्वियसली फंक्शन, जब कहीं कोई फंक्शन हो रहा है तो क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेट करता है, दैट इज ऑपरेटर। वैसे ही ऑपरेटर यहाँ क्या होगा, किसी फंक्शन को ऑपरेट करेगा, तो हम ऑपरेटर क्या कहेंगे, इट इज अ रूल, या हम कह सकते हैं विच ऑपरेट्स फंक्शन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, यस। तो ऑपरेटर वो होते हैं जो फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। अब ये फंक्शन को कैसे ऑपरेट करेंगे, सिंपल, जैसे हम बात करें क्रॉस, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये एक ऑपरेटर है। ये क्या ऑपरेट करता है, जब भी हम किसी भी फंक्शन को, किसी नंबर को, डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइन के साथ ऑपरेट करते हैं, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12। अगेन अगर ये डिवाइड की बात करें तो ये भी एक ऑपरेटर, ये क्या करता है, फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। वैसे ही हम बात कर रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक, मेनली दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेटर की। पहली चीज कि ये हमेशा लेफ्ट से क्या करता है, ऑपरेट करता है। जैसे कि मैं बात करना चाहता हूं, आपने डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर पढ़ा ही है, आप उसके बारे में जानते भी हैं। अगर मैं लिखता हूं dy/dx x^(n), इसका क्या मतलब होता है, आपको पता है इसका सॉल्यूशन होता है nx^(n-1), क्योंकि ये यहां पर क्या है, ऑपरेटर है, और ये यहां पर क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन के लेफ्ट साइड में ऑपरेटर है, तो उसने इसको ऑपरेट करके आंसर दिया। अगर मैं इसको लिखना चाहूं x^(n) d/dx,
अब देखिए ऑपरेटर इस साइड में है और फंक्शन उसके लेफ्ट में है, तो ऐसे केसेस में ऑपरेटर इस फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर सकता, मतलब इस केस में nx टू द पावर n माइनस 1 अगर आप लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके केस में, ऑपरेटर के केस में। दूसरा स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर, क्या है स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर का मतलब, इसका मतलब ये है हम किसी भी ऑपरेटर को अगर हम बात करें स्क्वायर करते हैं किसी फंक्शन साइन के साथ, तो इसका मतलब क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ ऑपरेटर, मतलब उसी फंक्शन को हमको उससे दो बार ऑपरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर किया तो इस होल का स्क्वायर ये नहीं होता है, इसका मतलब आप समझ में आ रहे हैं कि आपको पूरे फंक्शन को एक बार ऑपरेट करके उसका स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर का मतलब उसी फंक्शन को एक ही ऑपरेटर के साथ दो बार ऑपरेट करना है, करेक्ट है। तो ये बात हो गई ऑपरेटर और फंक्शन की, तो अभी हम लोग इसके और डिटेल में जाएंगे कम्यूटेटर्स के। तो आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स दे आर ऑपरेटर्स फॉर ईच ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या चीज है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जो भी चीजें देखते हैं हम उसके लिए हम बहुत सारी चीजें आगे हम पढ़ते हैं, जैसे पोजीशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी, इन स्टडीज को, इन पॉइंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेबल। तो हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर है, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो वो ऑपरेटर क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है, वो किस फंक्शन को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन एक ऑपरेटर है, उसका काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। सब्सट्रैक्शन एक ऑपरेटर है, उसका काम क्या है, सब्सट्रैक्ट करना। वैसे यहाँ पर भी ऑपरेटर्स हैं। तो हम बात करते हैं ऑब्जर्वेबल्स की। यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जर्वेबल है पोजीशन, पोजीशन के बारे में आप जानते ही हैं। तो पोजीशन अगर ऑब्जर्वेबल है तो उसका ऑपरेटर क्या है, आपको पता है पोजीशन तीन एक्सिस में हो सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स कैप, y एक्सिस की बात करें y कैप, z एक्सिस की बात करें तो z कैप। ये कैप क्या है, ऑपरेटर को डिनोट करने का तरीका है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो x कैप, y कैप, z कैप ये ऑपरेटर्स हैं। इनका ऑपरेशन क्या है, इनका ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या है, इस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में किसी भी फंक्शन को हम अगर क्या करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर लिखा गया है x कैप साइन इक्वल्स टू व्हाट, इफ साइन इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो इस केस में x कैप साइन की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम देखते हैं x कैप साइन क्या होगा। तो x कैप साइन क्या है, 3x स्क्वायर। अब आपको पता है कि x कैप का फंक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x इंटू 3x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 3x क्यूब। अब आप समझ गए इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर हम x कैप के साथ अगर हम किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करना चाहते हैं तो सिंपली उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं मोमेंटम ऑपरेटर की। तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, तो मोमेंटम ऑपरेटर को हम किसे डिनोट करते हैं, p से। आपको तो पता ही मोमेंटम क्या होता है, तो px कैप py कैप pz कैप, अलग अलग एक्सिस की अलग अलग मोमेंटम होगी। अब बात करते हैं इसको, इसका ऑपरेशन क्या है। तो इसका ऑपरेशन क्या है, अगर हम किसी फंक्शन को लिखते हैं जैसे कि px कैप sin, तो इसका मतलब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, -ih cut d/dx sin। तो इसका ऑपरेशन क्या हुआ, तो इस साइन को, फंक्शन को पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको हम -ih cut के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसका ऑपरेशन क्या होगा, जैसे हमने यहां लिखा मल्टीप्लीकेशन, तो यहां हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, डिफरेंशिएशन देन मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई बाय -ih cut। अब आप सोच रहे होंगे ये -ih cut में i क्या है, h cut क्या है। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में मालूम होता है, फिर मैं बता दूं i क्या है, iota एक इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पर i की वैल्यू जो है आपको पता होगा कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये हम लोग जब इसकी जरूरत होगी तो यूज करेंगे। h cut क्या है, तो h cut जो होता है वो होता है h/2π, क्वांटा है ये, एक्चुअली क्वांटाइजेशन की बात है। तो h/2π, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, पाई आप जानते हैं, 2 जानते हैं, तो h का इक्वल्स टू क्या होता है, h/2π। तो मोमेंटम ऑपरेटर का फंक्शन का किस तरीके से ऑपरेशन हुआ,
तो मोमेंटम ऑपरेटर ने क्या किया है, किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए उसको पहले डिफरेंशिएट करता है, फिर माइनस आई एच कट के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। फॉर एग्जांपल सेम फंक्शन, अगर मैं साइन की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, 3x2, तो अगर मैं उसको मोमेंटम ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करना चाहता हूं तो वो क्या होगा, देखिए तो हो जाएगा पी एक्स कैप साइन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स 3x का स्क्वायर, और d by dx 3x का स्क्वायर क्या होता है, तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें nx to the power n minus 1, तो 3 into क्या हो जाएगा 6x और minus ih cut। तो अब आप देखिए साइन एक था, साइन फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है 3x square, इसको जब मैं पोजीशन ऑपरेटर के साथ ऑपरेट किया तो वैल्यू आई 3x3, जबकि मैं इसको करेक्ट, और अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करता हूं तो आंसर क्या है, माइनस आई एच कट 6x। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हर एक ऑपरेटर का अपना एक ऑपरेशन है, वो डिफरेंट तरीके से क्या करता है, ऑपरेट करता है। आगे हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। तो p का जो ऑपरेशन है माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स, इसको आप यहां रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई 2m। तो ये जो ऑपरेशन हो गया किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का x एक्सिस में, तो y एक्सिस में क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसमें क्या होगा सेम, और ये डी वाई की जगह आप क्या लिख देंगे, डी जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका ऑपरेशन को जैसे हमने यहां लिखा डिफरेंशिएशन देन मल्टीप्लाई बाई आई एच कट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन देन मल्टीप्लाई by माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, सिंपल। तो इस तरीके से अगर अब हम इसी साइन को ऑपरेट करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के साथ, तो आंसर क्या होगा आप अपने नोटबुक में करके देख सकते हैं। सिंपली क्या होगा, हम यहां लिख देंगे क्या 3x square, और उसको हम क्या करेंगे ऑपरेट कर देंगे इसके साथ, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं फाइनली आता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी पे, ये एक ऑपरेटर है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे टोटल कर देंगे। तो तीनों को टोटल करेंगे तो तीनों में आप देखो ये चीजें क्या है, पहले लिख देता हूं के वाई प्लस के जेड, और तीनों में क्या है कॉमन, माइनस एच एच कट स्क्वायर बाई 2m क्या है कॉमन है, तो हम इसको कॉमन निकाल देते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। अब बचा क्या अंदर में, देखिए इसमें बचेगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये जो ओवरऑल ये जो लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो लाप्लासियन ऑपरेटर है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस एच एट कट स्क्वायर बाई 2m, और इसको उल्टा डेल से शो करते हैं दैट इज स्क्वायर, लाप्लाशियन ऑपरेटर। तो ये अंदर जो चीज लिखी हुई है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, इसको पूरा मिला के क्या बोलते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर, जिसको उल्टे डेल से हम लोग शो। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के बारे में, ये एक ऑब्जर्वेबल है तो इसका जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन ये क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, एच कैप से। तो एच इसका जो ऑपरेटर हो गया है एच कैप, तो एच एक्स कैप एच वाई कैप एच जेड। एच एक्स कैप क्या होगा, तो एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी प्लस वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एच एक्स कैप। तो एच वाई कैप क्या होगा, आप समझ चुके होंगे वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी प्लस वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं ऑल डायरेक्शंस में, तो ऑल डायरेक्शन में जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच कैप इक्वल्स टू सभी काइनेटिक एनर्जी का टोटल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इनके ऑपरेटर्स को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो एच कैप इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, माइनस एच कैप स्क्वायर बाई 2m, और ये क्या है लाप्लासियन ऑपरेटर।
ओके प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, इनका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे वी एक्स इंटू वी वाई इंटू वी जेड, या हम इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं वी एक्स वाई जेड। तो ये जो है पूरी तरीके से टोटल एनर्जी का ऑपरेटर हो गया। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि जो एच है इसको बोलते हैं, और आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यस, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अभी हम लोग आगे जो बात कर रहे हैं वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हमने बात किया, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑब्वियस है, मोमेंटम किसी एक्सिस पे होती है, एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर होती है। तो हम एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर, आर मीन्स क्या है, रेडियस। अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये रेडियस है, तो ये जो मोमेंटम आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट। तो अब इस एंगुलर मोमेंटम को निकालने का एक ट्रिक है, वैसे तो इसको मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और उसके थोड़ी डेरिवेशन भी लंबी है, बट मैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि, तो शॉर्ट में बताता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे या हम उसको कैसे निकालेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम एल अलग अलग एक्सिस में अलग अलग होगा। अब हम बात कर रहे हैं एल एक्स की, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है, ऐसा सर्कल बना लिए, एक्स लिख लिए, वाई लिख लिए, जेड लिख लिए, आप इसमें क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए, आप इसमें, तो हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल में क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज जाना है। जैसे कि मुझे एल एक्स निकालना है, तो एल एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स, तो हम कहां जा रहे हैं, वाई से जेड, तो हम क्या लिखेंगे, वाई पी जेड, ये हो गया पोजिशन और ये हो गया मोमेंटम। तो हमने क्या लिखा, वाई पी जेड माइनस हम क्या लिखेंगे, जेड पी वाई। कुछ क्लियर हुआ, फिर से बता रहा हूं, अगर आप एल वाई करते हैं, अब मुझे y का टर्म निकालना है, तो एल वाई के लिए क्या करना होगा, जेड पी एक्स एक बार इधर जाना है और एक्स पी जेड एक बार वापस आना है, तो जेड पी एक्स एक्स पी जेड, तो ये हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। इसी तरीके से मुझे एल जेड निकालना है, तो आप सोचिए क्या होगा, एल जेड के केस में मुझे जेड निकालना है, तो एक्स पी वाई वाई पी एक्स, ओके, तो ये हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, इससे नेट में क्वेश्चन भी आया है इसी से सिंपली, अब करना कैसे है देखेंगे। सपोज मैं जेड के लिए करता हूं, तो एल जेड इक्वल टू क्या हुआ, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब आगे मैं और इसको कैसे बढ़ा सकता हूं, तो ये हो गया एक्स पी वाई क्या होता है, माइनस आई एच कर डी वाई डी वाई, ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा, वाई पी एक्स क्या होता है, माइनस आई एच कर डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि आई एच कट दोनों केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो आप आई एच कट को बाहर ले लीजिए, माइनस आई एच कट, अंदर क्या बचेगा, एक्स डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी जेड। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फोर मार्क्स में नेट में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत सिंपल है ये, आपको बस ध्यान रखना है कि आपको एक साइकिल बनाना है, सर्कल बनाना है, और इस सर्कल में तीन एक्सिस देनी है, एक्स वाई और जेड, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका टर्म वहां नहीं आएगा, उसको छोड़ देना है, अगले दो टर्म्स को आपको एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे कि x p y y p x, z के केस में, x के केस में y p z, z p y, z के केस में x p y y p x, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू, अदरवाइज इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये ऑपरेटर्स क्या है, अभी मैं बताऊंगा कि इन ऑपरेटर्स का कम्यूट क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है कम्यूटेशन और एक होता है क्या, हर्मिशियन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग बात करते हैं किसकी, कम्यूटेशन की। तो अब हम देखेंगे कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कम्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑपरेटर्स के केस में, और इससे एक आध क्वेश्चन बिल्कुल नेट में, नेट के क्वेश्चंस में या गेट में बिल्कुल आ ही जाता है, सेट में भी देता है इस पर क्वेश्चन, अब बीएससी और के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, कम्यूटेशन का एक रूल होता है, जैसे कि दो ऑपरेटर्स हैं ए कैप एंड बी कैप, पहले तो जब भी हम कम्यूटेशन में किसी चीज को लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका है, एक बड़ा सा बड़ा ब्रैकेट होगा, इस ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेटर्स, दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं जिनका कम्यूटेशन हमको निकालना है, और उनके बीच में एक कॉमा का साइन होगा, तो ये होता है ऑपरेटर्स
के कम्यूटेशन को लिखने का तरीका, क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में आता है। जब भी इनका कम्यूटेशन निकालना होता है तो उसको किसी न किसी के साथ ऑपरेट करना जरूरी है, तो हम फंक्शन हम उसमें साइन ले सकते हैं, अगर नहीं दिया है फंक्शन तो हम उसमें साइन ले सकते हैं। तो ध्यान देना है कम्यूटेशन रूल है क्या, तो ए बी का कम्यूटेशन अगर हम कर रहे हैं तो ए कैप बी कैप साइन, मतलब ए बी साइन माइनस इसका उल्टा बी ए साइन, आपको तो पता ही ऑपरेट हमेशा लेफ्ट साइड से ऑपरेट करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, हम लेफ्ट में रखें राइट में रखें फर्क नहीं पड़ता, बट क्वांटम मैकेनिक्स में इस बात को बहुत फर्क पड़ता है कि ऑपरेटर लेफ्ट में है कि राइट में। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर हम देखते हैं कम्यूटेशन के केस में क्या होगा, तो ए बी साइन माइनस बी ए साइन, इसकी वैल्यू अगर जीरो आती है तो वो कहलाएंगे कम्यूट, ये दोनों ऑपरेटर क्या हो जाएंगे कम्यूट कहलाएंगे। अगर उनकी वैल्यू जीरो नहीं आती है तो वो क्या कहलाते हैं एंटी कम्यूट, ठीक है। और जो एंटी कम्यूट होते हैं वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, हाइजेनबर्ग का नाम आपने सुना ही होगा। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, एक ही टाइम पे क्या करते हैं पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते या सर्टिनिटी के साथ डिफाइन नहीं कर सकते, यही क्या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ऐसे दो ऑपरेटर्स जिनका कम्यूटेशन नॉन जीरो होता है वो एंटी कम्यूट होते हैं और वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जैसे पोजिशन और मोमेंटम। आगे मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे हो, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे जो भी एंटी कम्यूट होगा वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं क्या कि कम्यूट क्या चीज है एंटी कम्यूट। क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे हम देखते हैं सिंपल वे में, केवल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं 3 × 5 = 15 और मैं लिखता हूं 5 × 3 = 15। यहां पर मल्टीप्लीकेशन एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें मैं दोनों देखो इस तरीके से लिखता हूं 3 × 5 या 5 × 3 दोनों ही केस में क्या आता है 15, बट क्या 3 / 5 = 5/3 होगा, नहीं, आपको पता है कि वो था नॉट इक्वल। तो इसी तरीके से क्या काम करता है, ये कम्यूटेशन काम करता है। तो ए बी साइन माइनस बी ए साइन, मतलब अगर इसी को मैं उसी फॉर्म में लिखूं तो 15 - 15 = क्या आया 0, तो ये कम्यूट कहलाएगा। इसी तरीके से और कौन सा ऑपरेटर अगर हम देखें तो प्लस का साइन, अगर हम लिखते हैं 3 + 5 = 8, 5 + 3 = 8, दोनों क्या हुए वो तो क्या कहलाएंगे कम्यूट। तो यहां पर क्या है अगर हम बात करें माइनस या फिर डिवाइड की तो ये इस तरीके से काम नहीं करते हैं, इसका मतलब वो क्या है एंटी कम्यूट के जैसे। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, तो कभी भी ऑपरेटर को हमको इस तरीके से क्या करना होगा ऑपरेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जांपल्स में हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ और भी सिंपल रूल्स हैं, जैसे कि दो ऑपरेटर्स का अगर हम कम्यूटेशन निकाल रहे हैं तो वो एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब क्या होगा कि ए बी का कम्यूटेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए का कम्यूटेशन। हमने ऑपरेटर्स उल्टा लिखा तो उनका जो कम्यूटेशन का जो टर्म है वो नेगेटिव में आएगा और वो इसके पॉजिटिव के इक्वल होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये किसको फॉलो करते हैं एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल। बहुत ध्यान देने की चीज है, एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल को फॉलो कौन करता है कम्यूटेशन, यस। आगे हम देखते हैं ए बी प्लस सी, अब इसका कम्यूटेशन कैसे निकालें, क्या रूल हो सकता है। तो देखिए सिंपल देखने का तरीका है, लेफ्ट साइड से चलना है, लेफ्ट लेफ्ट पहले जाएगा, राइट जो है वो राइट में रहेगा। तो ए को हम पहले किसके साथ कम्यूट करेंगे बी के साथ, प्लस फिर से ए को किसके साथ कम्यूट करेंगे सी के साथ, तो क्या होगा ए कम्यूटेशन विद बी प्लस ए कम्यूटेशन विद सी, सिंपल। तो ये जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। अभी हम देखते हैं ये ए बी का कम्यूटेशन किसे करना है हमको सी के साथ, तो ए बी का कम्यूटेशन हम सी के साथ करेंगे। अब क्या करेंगे ए का कम्यूटेशन पहले किसके साथ होगा सी के साथ, तो हम लिख देते हैं ए का कम्यूटेशन किसके साथ होगा सी के साथ। अब ये बी कहाँ आएगा, क्योंकि ये बी इस ए के राइट साइड में है तो यहां बी कहाँ आएगा राइट साइड में आएगा, ध्यान देना इस चीज को। प्लस अभी क्या करना है, अब B का कम्यूटेशन किसके साथ होगा C के साथ, तो मैं लिखता हूं B का कम्यूटेशन C के साथ। अब ये A कहां आएगा, क्योंकि A B के लेफ्ट साइड में है तो ये A यहां है, करेक्ट। तो ये होता है कम्यूटेशन के कुछ रूल्स हैं, इस रूल को फॉलो करके हम ऐसे कई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन रूल्स को ध्यान से देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल नेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी पैटर्न में आ रहे हैं, आपको 2 से 3, 3 से 4 ऑपरेटर्स को एक साथ
कम्यूट करने को दिया जाता है, तो उसमें आपको इन रूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, देखते हैं हमने कम्यूटेशन देखा कि होता क्या है, रूल्स को पढ़ लिए, बट जब तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा कि कम्यूटेशन चीज क्या है। तो कम्यूटेशन हमको करना कैसे है, बहुत सिंपल। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स टू दी पावर एन, यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, को हम डी बाई डी एक्स के साथ कम्यूट करना चाहते हैं, तो इनके कम्यूटेशन की वैल्यू क्या होगी, कैसे कम्यूट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें एक फंक्शन लिख लेते हैं कि इसमें चलो कोई एक फंक्शन है सारे। अब इसको हम करेंगे तो आपको पता है कि जब दो ऑपरेटर का हम अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए कैप बी कैप का कम्यूटेशन करना है, तो ये होता है ए बी साई माइनस बी ए साई, करेक्ट। तो इसमें ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए बी साइन माइनस बी ए साइन। तो मैं लिखता हूं ए एक्स टू द पावर एन बी डी बाई डी एक्स साइन, करेक्ट, प्लस या माइनस बी ए साइन। तो बी क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन साइन, सिंपल, ओके। आगे हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स टू द पावर एन डी बाई डी एक्स साइन को एज इट इज रख देते हैं, या हम इसको इस पूरे को साइन एज भी लिख सकते हैं। आगे हम लिखते हैं माइनस, अब क्योंकि ऑपरेटर है और यहां पे दो फंक्शन है, साइन भी फंक्शन है और एक्स टू द पावर एन भी फंक्शन है, तो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन वाला जो डेरिवेटिव का रूल है वो लगेगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है सेकेंड फंक्शन, तो पहले क्या लिखते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन फिर डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, करेक्ट, प्लस ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन क्या था हमारा साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके। अब उसको हम क्या कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे, जिसको हम एज इट इज लिख लेते हैं एक्स टू द पावर एन डी बाई डी एक्स साइन माइनस, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन डी साइन बाई डी एक्स प्लस। अब डी बाई डी एक्स और एक्स टू द पावर एन को हम जब ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा साइन एन एक्स टू द पावर एन माइनस। अब हम चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो चलिए मैं यहीं से ओपन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहां पर आप देखेंगे एक्स टू द पावर एन डी बाई डी एक्स आई एक्स टू द पावर एन डी साइन बाई डी एक्स, ये दोनों क्या है सेम है, ये प्लस में है माइनस में, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बनेगा माइनस साइन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब क्योंकि ये किसकी वैल्यू थी, आई है एक्स टू द पावर एन डी बाई डी एक्स साइन, अब मुझे दोनों साइड से साइन को क्या करना होगा कैंसिल करना होगा, तो इसका जो आंसर आएगा एक्स टू द पावर एन डी बाई डी एक्स का वो क्या आएगा माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ये इसका कम्यूटेशन है। अभी मैंने एक और रूल बताया था क्या, कि ए बी का कम्यूटेशन इज इक्वल टू माइनस बी ए का कम्यूटेशन, क्लियर। तो इस रूल को हम यहां फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता कि डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, इसका आंसर क्या होगा, तो ये देखिए इसका जस्ट क्या है रिवर्स है, तो इस केस में जो माइनस आया तो इसका एंटी सिमेट्रिक ये माइनस है, तो वो क्या होगा प्लस होगा, तो ये होगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो आप कह सकते हैं एक जनरल फॉर्मूला भी है, एक जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस जनरल फॉर्मूले में अगर ये पावर जो है एन जो पावर लगी है एक्स के ऊपर, अगर ये डी बाई डी एक्स के ऊपर लगा होगा तो क्या होगा, तो उस केस में भी आंसर ऐसा ही होगा, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं एक्स डी बाई डी एक्स की पावर में एन, इसका मुझे कम्यूटेशन निकालना है, तब इस केस में क्या आंसर आएगा, चीजें तो सेम है, तो हो जाएगा माइनस एन डी बाई डी एक्स की पावर में एन माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम इस जनरल फॉर्मूले से भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। अब नेट में मैंने एक क्वेश्चन देखा था इस तरीके का आया हुआ था, जैसे कि आपको कम्यूटेशन फाइंड कम्यूटेशन दिया था किसके लिए, एक्स थ्री डी बाई डी एक्स। अब इसका आंसर करने में हमको कितना समय लगेगा, लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बड़ी चीज है या इसका आंसर बहुत बड़ा होगा, बहुत समय लगता है, नहीं। अगर क्वांटम को आप एक बार समझ गए तो इसके आंसर्स भी बहुत सिंपल होते हैं, और वो सिंपल कैसे हैं, तो आप देखिए सिंपल
एक्स टू दी पावर थ्री डी बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमको इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, बार बार ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कि मैंने एक बार सॉल्व करके दिया, बट ट्रिक तो यही है कि आपको इसी जनरल फॉर्मूले को लेकर चलना है, क्योंकि एक्स पहले है, डी बाई डी एक्स बाद में है, तो एक्स पहले है तो माइनस आता है, एक्स बाद में आता है तो ये प्लस में आता है। दूसरी चीज एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन तो आपको पता है यहाँ पे थ्री है, तो आंसर क्या होगा, थ्री एक्स टू दी पावर टू, ये इसका कम्यूट का आंसर होगा। तो इसी तरीके से सिंपल वे में इस ट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कम्यूटेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने एक को सॉल्व करके दिखाया, अब हम लोग जितने भी ऑपरेटर्स हमने अभी ऑब्जर्वेबल देखे, पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, इन सभी को, इन सभी के कम्यूटेशन कैसे होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उनका हम अलग अलग कम्यूटेशन निकालेंगे, जैसे कि पोजीशन का कम्यूटेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन, तो ये हम लोग आगे अभी करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी ऑब्जर्वेबल्स के लिए ऑपरेटर्स पढ़े हैं, वो सभी ऑपरेटर्स का हम लोग क्या करके देखते हैं, कम्यूटेशन करके देखते हैं। सबसे पहला आता है कम्यूटेशन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन आप जानते हैं का ऑपरेशन कैसा होता है, पोजीशन ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन, यस। तो एक्स वाई तो अलग अलग एक्सिस का लेके देख रहा हूँ, सेम एक्सिस का भी देखते हैं, तो अलग अलग एक्सिस का देख रहा हूँ, तो मुझे इसका कम्यूटेशन करना है, तो मैं एक फंक्शन हो गया यहाँ पे साइन। अब क्या करना है, एक्स कैप वाई कैप साइन, आपको पता है कि ए बी साइन माइनस बी ए साइन, ये हमारा क्या है, कम्यूटेशन का रूल। तो फिर एक्स कैप साइन वाई कैप साइन माइनस वाई कैप साइन एक्स कैप साइन। अब आपको पता है एक्स कैप और वाई कैप दोनों ऑपरेटर का फंक्शन, सॉरी दोनों ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तो पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई साइन माइनस ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका काम मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्स वाई साइन वाई एक्स को हम एक्स वाई लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई साइन माइनस एक्स वाई साइन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पोजीशन है, एक्स वाई एक्स जेड लूंगा तो भी जीरो आएगा, एक्स का एक्स के साथ लूंगा तो भी जीरो आएगा, वाई का वाई के साथ लूंगा तो भी जीरो आएगा। तो जितने भी पोजीशन का ऑपरेटर्स हैं, उन सभी का जो कम्यूटेशन है वो क्या आता है, जीरो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कम्यूटेशन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर्स ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ओके। तो कभी क्वेश्चन का आता है तो कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शन में देखना है, जीरो जाना है, जीरो को टिक करना है, बस इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए कि ये होना चाहिए कि एक्स और वाई हो, वाई जेड हो, किसी भी एक्सिस में अगर हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑपरेटर का कम्यूटेशन क्या होगा, जीरो। अब बात कर रहे हैं कम्यूटेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, पी, तो हम लोग सॉल्व करने के बाद बताऊंगा कि ये होता क्या है, बट फिर मैं लिख दिया मैंने कि अगर डिफरेंट एक्सिस में ऑपरेट हो रहा है तो वो जीरो देगा, और सेम एक्सिस में ऑपरेट हो रहा है तो वो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब वो कैसा होगा, एंटी कम्यूट होगा। एंटी कम्यूट होगा मतलब क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन सॉरी हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो डिफरेंट एक्सिस में जीरो मतलब क्या हुआ, इसको इसका मतलब मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप पी एक्स का वाई के साथ करेंगे कम्यूटेशन तो वो जीरो होगा, उसी तरीके से पी वाई का जेड के साथ करेंगे तो वो जीरो होगा, उसी तरीके से पी जेड का एक्स के साथ कम्यूटेशन करेंगे तो वो जीरो होगा। तो जितने भी मोमेंटम ऑपरेटर है उनको हम डिफरेंट एक्सिस के साथ जब हम करते हैं तो वो जीरो देता है, बट सेम एक्सिस के साथ ही जीरो नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। सपोज मुझे निकालना है पी एक्स एक्स टू दी पावर एन, जनरल फॉर्मूला भी बना रहा हूँ सॉल्व करके भी बता रहा हूँ, तो पी एक्स एक्स टू दी पावर एन का मुझे क्या करना है, कम्यूटेशन निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी एक्स क्या होता है, माइनस एच कट डी बाई डी एक्स, और ये क्या है, एक्स टू दी पावर एन। अब आपको पता है कि माइनस आई एच कट को हम यहाँ बाहर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो माइनस आई एच कट को, लेकिन ये बाहर लेने का भी एक तरीका होता है, कब बाहर ले सकते हैं कब नहीं ले सकते हैं, आप डिटेल में बाद में समझेंगे। फिर हमें पता है इस केस में जहाँ मल्टीप्लीकेशन नेचर का होता है वहां माइनस आई एच कट को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। इसके लिए जनरल फॉर्मूला हम पहले ही बना चुके हैं, आपको याद होगा, तो जनरल फॉर्मूला क्या था, डी बाई डी एच एक्स टू दी पावर एन के लिए, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस आई एच कट एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, सिंपल। तो ये हमारा आंसर है। तो क्या इससे हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, यही एक जनरल फॉर्मूला है, देखिए पी एच एक्स टू दी पावर एन, इसका कम्यूटेशन क्या आएगा,
माइनस आई एच कट एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अब अगर एक्स टू दी पावर एन इधर हुआ तो एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, इसका क्या होगा? ऑब्वियसली एंटी सिमेट्रिक रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं ए बी को बी ए लिखता हूं तो मुझे पता है कि जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस आई एच कट एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इतना सिंपल है। देखिए ऐसे ही अगर ये m जो है पावर है वो x पे ना हो के px पे हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखिए अगर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ, ये लिखा हुआ है ऐसा px to the power n x, मुझे इसका निकालना है, एक लाइन में आंसर लिखना है। तो अब ये आंसर कैसे लिखेंगे, तो अभी कुछ करना नहीं है। px कहाँ है आपका, लेफ्ट साइड में है, मतलब माइनस आई एच कट आएगा सामने में, तो हो जाएगा माइनस आई एच कट, क्योंकि इस बार जो पावर है वो किसके ऊपर है, px के ऊपर है। जैसे उसमें d by dx के ऊपर पिछले इसमें मैंने बताया था, तो d by dx के ऊपर जब पावर था तो उसके इसमें d by dx पर ही हमने n minus 1 का फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पर क्या होगा, px के ऊपर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट एन px टू दी पावर एन माइनस 1। बट एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो सारी चीजें हम बार बार पावर में n x की पावर में n है तो हमने x की पावर n माइनस वन किया, और px की पावर में n है तो हमने px की पावर में n माइनस वन किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि px टू दी पावर n और x टू दी पावर n भी इसी तरीके से होगा, नहीं। उसके लिए आपको उसको पूरे जो भी पावर में दिया उसके फॉर्म में पूरी तरह से सॉल्व करना होगा, जैसे फर्स्ट वाले मैंने आपको सॉल्व करके बताया था उस तरीके से। तो ट्रिक्स में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, पावर किसी एक में है तो उसी की पावर में जाएगा एन माइनस वन, अगर एक्स की पावर में एन है तो एक्स की पावर में एन माइनस वन होगा, और अगर पी एक्स की पावर में एन है तो पी एक्स की पावर में एन माइनस वन होगा, माइनस आई एच कट एन तो रहेगा ही रहेगा। ध्यान ये रखना है पी सामने में है तो माइनस आई एच कट रहेगा, और अगर पी उस तरफ है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, और ये एक तरीका है क्या निकालने का, कम्यूटेशन निकालने का। तो ध्यान रखेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कम्यूटेशन आप जब पोजीशन ऑपरेटर का करते हैं तो ऑलवेज जीरो आएगा, और आप मोमेंटम ऑपरेटर का करते हैं तो शॉर्ट में ध्यान रखिए डिफरेंट एक्सिस आता तो जीरो ही देगा, बट सेम एक्सिस है तो आपको सिंपली उसी फॉर्मूले से जो पहले हमने निकाला था उसी फॉर्मूले से। अब हम लोग बात कर रहे हैं कम्यूटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी तक हमने बात किया कम्यूटेशन पोजीशन का पोजीशन के साथ, फिर हमने बात किया पोजीशन का मोमेंटम के साथ, अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम या फिर पोजीशन के साथ। ध्यान रखना है कि सेम एक्सिस जब भी हुआ तो ये जीरो ही देगा। तो एंगुलर मोमेंटम के केस में सेम एक्सिस पे आप चाहे एंगुलर मोमेंटम के साथ निकालो या पोजीशन के साथ निकालो, सेम एक्सिस है तो हमेशा वो क्या देने वाला है, जीरो। मतलब आप यहां लिख सकते हैं एल एक्स का एक्स, या फिर एल वाई का वाई, या फिर एल जेड का जेड के साथ, ये सभी जो है आपको क्या देने वाले हैं, जीरो। उसी तरीके से एल एल एक्स का एल एक्स के साथ, एल वाई का एल वाई के साथ, और एल जेड का एल जेड के साथ। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन पोजीशन के साथ। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ, सेम एक्सिस है तो हमेशा ये क्या देंगे आपको, जीरो। ये बिल्कुल याद करके रख लीजिए, सिंपल है। कभी भी आया कहीं पर भी ये क्वेश्चन में बीच में आ जाता है और उसके बाद आपको इसका आंसर कैसे करना होता है, फिर हम सोचते रहते कि क्या करें, कुछ नहीं करना है, सेम एक्सिस देखा मतलब जीरो आंसर करना है। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट एक्सिस, अगर उसकी एक्सिस डिफरेंट है तो आंसर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं पोजीशन के साथ, फिर हम बताएंगे एंगुलर मोमेंटम के साथ। इसका ट्रिक इतना सिंपल है कि आपको सिर्फ एक साइकिल बनाना है, सर्कल बनाना है, ये रहा एक सर्कल, बस ध्यान ये रखना है कि आप सर्कल में तीन एक्सिस जैसे लिखते हैं हर बार की तरह एक्स वाई जेड, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान ये रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के केस में क्या डिफरेंस है। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का केस होगा तो उस केस में जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो क्लॉकवाइज के केस में क्या होगा, प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज के केस में क्या होगा, माइनस। देखिए ध्यान ये रखना, मैं फिर से लिख देता हूं कहीं पर, क्लॉकवाइज हुआ तो आपको क्या करना है, प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आपको क्या करना है, माइनस। अभी क्या करें, इनके आंसर्स में सिर्फ हमको आई एच कट तो सम्मिलित देना है,
क्या लिखना है आईएच का। तो चलिए सबसे पहले सबके आंसर में हम लिख देते हैं, तो मैं यहां लिख दूंगा आईएच कट, आईएच कट, आईएच कट, आईएच कट, आईएच कट और आईएच कट। कितना सिंपल है। कभी भी जब एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन के साथ कम्यूटेशन आप निकाल रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने से पहले ही आप उसमें आईएच कट तो डाल दीजिए, आईएच कट तो आएगा ही आएगा आंसर में। सॉल्व कैसे करना है तरीका आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं, आप चाहे तो डिटेल में जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं केवल ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, उस सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम ये कैसे बताएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम में जब हम इसके कम्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो आईएच कट तो आएगा ही, उसके बाद क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अब यहां आपको ये देखना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। हम देख रहे हैं एक्स वाई, मतलब एक्स पहले है वाई बाद में है, तो एक्स से जब हम वाई जाते हैं तो ये कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, तो एक्स से वाई क्लॉकवाइज है मतलब ये क्या रहेगा प्लस, वाई से जेड, वाई से जेड हम कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसा रहेगा प्लस, जेड से एक्स, जेड से एक्स हम जा रहे हैं तो ये भी कैसा रहेगा प्लस, क्लॉकवाइज के केस में हमेशा प्लस होगा, ठीक है। अब यहां देखिए y से x हम जा रहे हैं, तो y से जब हम x जा रहे हैं तो ये कैसा आ रहा है एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। फिर z से y जा रहे हैं तो z से y भी कैसा एंटी क्लॉक वाइज माइनस, x से z जा रहे हैं तो ये भी कैसा होगा माइनस। बहुत सिंपल मेथड है, सबसे पहले सब में आईएच कट लिखना है, क्लॉक वाइज एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स गए हैं तो ऑब्वियसली प्लस होगा, फिर एक्स से जेड, जेड से वाई, वाई से एक्स जाएंगे तो माइनस होगा। इतना क्लियर है। अब आप जिसका कम्यूटेशन निकाल रहे हैं उसके उसको छोड़कर जो एक्सिस बची हुई है वो सामने आएगा आंसर में। जैसे यहाँ एक्स और वाई है तो यहां होगा जेड, ये वाई और जेड है तो यहां होगा एक्स, ये जेड और एक्स है तो यहां होगा वाई, ये y और x है तो यहां होगा z, ये z और y है तो यहां होगा x, ये x और z है तो यहां होगा y। समझ में आया, ध्यान से देख लीजिए हमने क्या किया, सब में ih कट लिखा, क्लॉक वाइज है तो प्लस किया, एंटी क्लॉक वाइज है तो माइनस किया, फिर जिन जो एक्सेस ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में उसको छोड़ के जो एक्सेस बचता है उसको हम सामने लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हम एंगुलर मोमेंटम के साथ कर रहे हैं तो सेम तरीका है, बस पोजीशन की जगह वहां एंगुलर मोमेंटम ही लिखा जाएगा। जैसे कि एल एक्स का वाई, सबसे पहले बात आई एच कट तो सब में लिखेंगे, क्योंकि जब मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। कई लोग इस ट्रिक को फॉलो करते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी को कोई ये ट्रिक नहीं जानता होगा तो ये आप इस ट्रिक को देखिए और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई एच कट हमने सब में लिख लिया, फिर देखिए एक्स से वाई क्या होगा क्लॉक वाइज, वाई टू जेड क्लॉक वाइज, जेड टू एक्स क्लॉक वाइज, समझ में आ रहा है ये क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ हम सभी में क्या लिख देंगे प्लस, और ये तीनों क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है। अब क्योंकि ये भी एंगुलर मोमेंटम है और ये भी एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों एंगुलर मोमेंटम है तो यहां भी एंगुलर मोमेंटम आएगा, बट डिफरेंट एक्सिस की बात चल रही है, ये एक्स और वाई है तो वहां क्या आएगा जेड, तो ये आई एच कट एल जेड, आई एच कट एल एक्स, जेड और एक्स है तो आई एच कट एल वाई, वाई और एक्स है तो आई एच कट एल जेड, एल जेड और वाई है तो आई एच कट एल एक्स, और एक्स और जेड है तो आई एच कट एल वाई, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है एंगुलर मोमेंटम का क्या निकालने का, कम्यूटेशन निकालने का, बस आई एच कट सब में लिखना है। अगर पोजीशन के साथ कर रहे हो तो केवल पोजीशन वाला ऑपरेटर आपको ऑब्जर्वेबल लिखना होगा, और अगर आप एंगुलर मोमेंटम के साथ कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम का ऑब्जर्वेबल एल जेड एल वाई एल एक्स ये लिखना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अभी मैं आपको साथ साथ एक और चीज बताता हूं, अगर ये दो बार लिखा हुआ है तब क्या, कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है एल एक्स का स्क्वायर एल वाई आपको इसका निकालना है तो इस केस में आपको क्या करना होगा, तो करना क्या है, आप इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, एल एक्स एल एक्स एल वाई ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब आप ऐसा लिख सकते हैं तो ये हमने कम्यूटेशन का एक रूल मैंने आपको पढ़ाया है, आपने देखा होगा उस रूल में क्या था, अगर ये ए है सपोज ये बी है तो ये क्या हो गया सी, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले एल ए का इसके साथ होगा सी के साथ, तो ये हो जाएगा एल एक्स एल वाई कम्यूटेशन प्लस, अच्छा
एल एक्स का एल वाई के साथ, तो ये वाला एल एक्स क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस अब हम क्या करेंगे इसका, ये वाले एल एक्स के साथ एल वाई का लेंगे, तो पहले वाला एल एक्स बाहर आएगा, ये हो जाएगा एल एक्स और एल वाई। एल एक्स और एल वाई का आंसर आप लिखेंगे, है ना, और यहां पर भी एल एक्स और एल वाई का आंसर लिखेंगे, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके से ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन हमको निकालना है। लास्ट टॉपिक लैडर ऑपरेटर, नाम तो आपने सुना ही होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, आपने बीएससी में एमएससी में, लैडर ऑपरेटर। लैडर ऑपरेटर क्या होता है, एक होता है एल प्लस, एक होता है एल माइनस। एल प्लस और एल माइनस ये क्या है, लैडर ऑपरेटर। हमको इनके भी क्या देखने हैं, कम्यूटेशन देखने हैं। ध्यान से समझिएगा, इसके मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, किसी को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ट्रिक्स के थ्रू याद रखिए तो बेस्ट है, बार बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक है हमारे पास एल प्लस। एल प्लस क्या है, एल एक्स प्लस आई एल वाई। ध्यान रखेंगे इसमें जेड एक्सिस नहीं है, इसमें केवल एक्स और वाई एक्सिस है। तो एल प्लस क्या है, एल एक्स प्लस आई एल वाई। तो एल माइनस क्या है, सिर्फ चेंज होगा इस साइन में, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एल एक्स माइनस आई एल वाई क्या होता है, एल माइनस। ये दोनों क्या है, लैडर ऑपरेटर है अलग अलग एक्सिस में। अब देखेंगे एल प्लस क्या हुआ, एल एक्स प्लस आई एल वाई, एल माइनस क्या हुआ, एल एक्स माइनस आई एल वाई। अब हम बात कर रहे हैं कम्यूटेशन की, तो जब हम कम्यूटेशन की बात करेंगे तो जेड एक्सिस में, फिर एक्स एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं बता देता हूँ पहले, और फिर मैं इनको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। पहले शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात ध्यान, जब जेड एक्सिस में आप कम्यूटेशन निकालेंगे लैडर ऑपरेटर का, जैसे कह रहा हूँ लैडर ऑपरेटर का, जेड एक्सिस में जब कम्यूटेशन निकालेंगे, यहाँ पे कोई जेड एक्सिस है ही नहीं, इसका मतलब ये केवल याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लेडर ऑपरेटर्स में जेड एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पर केवल अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। मतलब एल प्लस है तो एल प्लस, और एल माइनस है तो एल माइनस। ध्यान रखना जेड एक्सिस के साथ हम कर रहे हैं लेडर ऑपरेटर का, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पर प्लस भी है, प्लस कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। एच कट रहेगा दोनों में, ध्यान रखना सब में एच कट रहेगा, ठीक है। तो जब जेड एक्सिस के साथ कर रहा है तो ध्यान रखते हैं कि बात यह है कि प्लस और एल माइनस में क्या नहीं है, जेड एक्सिस नहीं है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर जेड एक्सिस नहीं है तो यहाँ पर भी जेड नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, एल प्लस, और वहां पर क्या आएगा, एल माइनस, ठीक है। तो ये हो गया एल जेड एल प्लस का प्लस एच कट एल प्लस, एल जेड एल माइनस का माइनस एच कट एल माइनस। अब एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस है इसमें, ध्यान रखेंगे जेड को छोड़कर अगर एक्स और वाई एक्सिस के साथ हम लोग लेडर ऑपरेटर का कम्यूटेशन निकाल रहे हैं, तो आंसर में एच कट एल जेड तो होगा ही होगा। आप चारों में देख लीजिए, एच कट एल जेड, एच कट एल जेड, एच कट एल जेड, एच कट एल जेड, सभी में, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान देना है, जब एक्स के साथ निकाल रहे हैं तो एक्स के साथ आई नहीं है दोनों ही केस में, तो यहाँ भी एक्स के साथ आई नहीं, एक्स वाले केस में आई नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है, माइनस एच कट एल जेड। तो ये क्या होगा, एच कट एल जेड, मतलब जो प्लस के साथ होता है, प्लस के साथ अगर प्लस है तो माइनस वाले के साथ माइनस होगा, और प्लस वाले के साथ अगर माइनस है तो माइनस वाले के साथ क्या होगा, प्लस होगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो माइनस एच कट एल जेड प्लस एच कट एल जेड, अब इसमें भी एच कट एल जेड तो होगा ही, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस वाले में आप देखिए आई लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप आई लगा देंगे, तो ये होगा माइनस आई एच कट एल जेड, और ये हो गया प्लस आई एच कट एल जेड। ये याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, जेड एक्सिस में निकाल रहे हैं तो एल प्लस के साथ है तो एल प्लस आंसर में आएगा, एल माइनस के साथ है तो एल माइनस आएगा, एच कट तो सब में रहेगा ही रहेगा, एल प्लस के साथ है पॉजिटिव, एल माइनस के साथ है तो निगेटिव। एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोनों केस में एच कट और एल जेड कॉमन है, एच कट एल जेड रहेगा ही रहेगा। अगर वाई के एक्सिस में है तो आई रहेगा, क्योंकि आई वाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर आई आ जाता है, और अगर एक्स एक्सिस में है तो वहां पर आई नहीं आएगा। जहां पर प्लस के साथ अगर माइनस है तो माइनस के साथ प्लस होगा, तो एल प्लस के आंसर में अगर माइनस एच का टेल जेड आया तो एल माइनस के आंसर में प्लस एच का टेल जेड आ रहा है। ये दो तीन बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा, जिससे ये बहुत इजी पड़ेगा। अभी मैं आपको बता, इनमें से कोई भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इनमें से एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि होता कैसे। तो एल जेड एल प्लस की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एल जेड एल प्लस क्या होता है, एल एक्स प्लस आई एल। कम्युनिकेशन रूल में मैंने बताया था ए बी प्लस सी का क्या होता है, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ कम्युनिकेशन। तो पहले एल जेड का कम्युनिकेशन किसके साथ होगा, एल एक्स के साथ, फिर एल जेड का कम्युनिकेशन किसके साथ होगा, आई एल वाई के साथ। हम ये लिख लेते हैं एल जेड एल एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एल जेड आई एल वाई।
ठीक है। अब क्या करना है आगे हम लोगों को, एल जेड एल एक्स का क्या होता है, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कैसे निकालना है। तो एल जेड एल एक्स में जेड है और एक्स है मतलब आई नहीं, और क्योंकि एल है तो एल एल वाई आएगा। तो आंसर क्या होगा, क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है वो आपको देखना है। तो जेड से एक्स हम यहाँ से कर लेंगे, एक्स वाई जेड, जेड से हम एक्स जा रहे हैं तो ये क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है मतलब प्लस होगा, प्लस होगा मतलब क्या होगा, प्लस आई एच कट एल वाई, समझ में आया ना, जेड और एक्स है तो एल वाई हो गया, आई एच कट तो रहता ही है और प्लस क्यों आए क्योंकि क्लॉक वाइज है। फिर प्लस यहाँ देखेंगे एल जेड और आई एल वाई, आई को बाहर निकाल लेता हूँ पहले ही, तो मैं लिख सकता हूँ एल जेड और एल वाई, फिर से इसको लिखता हूँ आई एच कट एल वाई प्लस आई, और इसका आंसर क्या होगा, एल जेड एल वाई, एल जेड और एल वाई, पहली बात तो ये कि आई एच कट तो आएगा ही आएगा, जेड से वाई जा रहे हैं, जेड से वाई कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई एच कट, और जेड और वाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करना है, मैं इसको लिख सकता हूँ आई एच कट एल वाई प्लस, यहाँ देखेंगे आई इंटू माइनस आई, माइनस यहाँ आएगा पहले, और ये आई का क्या होगा स्क्वायर, और आई मीन आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, अभी हम देखते हैं। और यहाँ क्या लिखूंगा एच कट एल एक्स, तो ये हो जाएगा आई एच कट एल वाई, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा एक सेकेंड, ये माइनस यहाँ बाहर आया है तो यहाँ पर हो गया माइनस साइन, आयोटा का स्क्वायर भी माइनस वन होता है तो माइनस माइनस, फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस होगा और ये बन जाएगा एच कट एल एक्स। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एच कट, तो एच कट को आपको कॉमन ले लेना है, बचेगा क्या यहाँ से एल एक्स प्लस आई एल वाई, और एल एक्स प्लस आई एल वाई क्या होता है एल प्लस, लेडर ऑपरेटर पॉजिटिव में, तो ये हो गया एच कट एल प्लस, ये आंसर है एल जेड एक्स जेड एक्सिस में एल प्लस का। इसी तरीके से आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ जो मैंने आपको बताया है एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं, बार बार इतना तो नहीं करना पड़ेगा ना, तो ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो एच कट एल प्लस आया, मैंने लिखा होगा एल जेड एल प्लस का क्या आता है एच कट एल प्लस, जो कि पॉजिटिव है। अब सिंपल है, अगर मैं एल जेड का एल माइनस के साथ निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन होगा, यहाँ माइनस साइन होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, और ये फिर से माइनस होगा, और इस तरीके से ये एल प्लस की जगह क्या होगा एल माइनस होगा, तो आंसर क्या आया एच कट एल, तो आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको लैडर ऑपरेटर का आप क्या निकाल सकते हैं, कम्यूटेशन। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ, अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको गूगल में मिल जाते हैं, आपके पास शीट्स होंगे असाइनमेंट के, तो उसके थ्रू आप उसको क्या करें इसको सॉल्व करके देखें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं ड्राइव लिंक में दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।